हेलो फ्रेंड्स, अंजना के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी पराठा। हरी मेथी के बहुत सारे फायदे हैं। हरी मेथी वजन कम करने में मददगार साबित होती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है। 200 ग्राम हम मेथी के पत्ते लिए हैं। इसे 2-3 पानी से हम धो लिए हैं, धो करके और बारीक काट लिए। ये ठंड के मौसम में मिलती है। आटा 1/2 kg लिए हैं। आटा में हम मेथी, हरी मेथी के पत्ते डाल दिए हैं। हरी मेथी को हमने उबाले नहीं हैं और इसे कच्चा ही डाले हैं। हरी धनिया थोड़ी से डाल दिए हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, हरी मिर्च डालें, 2 हरी मिर्च हम काट के डाल दिए हैं। अजवाइन हाथ से क्रेस करके डाल दिए हैं। इसे टेस्ट बहुत अच्छी आती है और ये थोड़ा सा मंगरेला डाल दिए हैं। नमक 1 चम्मच और थोड़ी सी डाले हैं। हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। 2 चम्मच रिफाइन ऑयल डालें और इसे सारी मिक्स कर दिए। अच्छी तरह से मिक्स करके हम आटे को गूंथ लेंगे। अच्छी तरह से हम मिक्सर कर रहे हैं और इसमें थोड़े थोड़े से पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी डालने से आटा गीला हो जाता है। ये मेरा आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। इसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और पराठा बना रहे हैं। और इसे थोड़ी सी लाल हो जाएगी तो पलट देंगे। थोड़ी सी लाल हो गई तो हम पलट दिए पराठे को और दूसरी तरफ भी अच्छे से लाल कर देंगे। ये पराठा बहुत सॉफ्ट बनती है। और इसमें हम रिफाइन ऑयल लगाएंगे थोड़ी सी। रिफाइन ऑयल लगा दिए हैं और इसे पलट करके दूसरी तरफ भी रिफाइन ऑयल लगा करके सेक लेंगे अच्छी तरह से। ये दोनों तरफ अच्छी तरह से सेका गया और इसे निकाल देंगे और दूसरी पराठा भी इसी तरह हम बनाएंगे। ये पराठा बनकर रेडी हो गया है। ये हम हाथ में ले करके मोड़ के दिखा रहे हैं, बहुत सॉफ्ट। और इसे हम तोड़ कर भी दिखाएंगे। ये बहुत टेस्टी हुआ है।